और सिम डिम्स के 7,000 करोड़ रुपए बचे। मैंने सुना कि दिल्ली का तो 36 यूनियन है जी, आज तक किसी ने इतना काम नहीं किया जी। जो भी हमारी यूनिटें मिल रहे हैं और मुझे भड़काने वाले बहुत मिल रहे हैं। कल ही हमारे स्टैंड पे बाबूजी गए थे, शायद समझ भी गए होंगे, वहाँ जो बंदा गया वो ड्राइवरों के इतने काम किए हैं। जैसे 2020 रेवला खानपुर में जो है हम लोग ट्राई देने जाते थे उसको। आपका यूनियन टैक्सी यूनियन का स्थापना दिवस है, तो ये आपने यूनियन जब खोली थी तो आपके मन में विचार क्या था खोलते समय? हमारा विचार यही था कि हमारे ऑटो टैक्सी चालकों को जो भी समस्याएं हैं उसको सरकार के माध्यम से चालकों को एकत्रित करने के लिए, यही हमारा विचार था। आज हमारे ज़्यादातर चालक एकत्रित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और सरकार से हम लोग काफ़ी हद तक समस्याओं का समाधान करवाने में सफल हो रहे हैं। और जो काम अब तक हो चुके हैं उसको भी मैंने स्टिकर के माध्यम से सभी गाड़ियों पर लगवा दिए हैं। अच्छा, तो ये विचार है। उपेंद्र जी आप कुछ बताएंगे इस पर थोड़ा सा? मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे चालक भाई अभी तक जो दिल्ली में 70 साल से यूनियन चला रहे थे, वो लोग कहते थे चालक साथ नहीं देते। उन्हीं को दिखाने के लिए, उनको एहसास कराने के लिए ये समस्त चालक भाई एकत्रित हो रहे हैं और उनकी जो कार्यशैली थी वो हमारे चालकों तक सही नहीं पहुंच पा रही थी, जिसे देख करके चालकों ने ठाना कि आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन रजिस्टर भी करवाया और स्वयं अपनी मुद्दे को लेकर, समस्याओं को लेकर सरकार और डिपार्टमेंट के पास रखने में सक्षम भी हो रहा है। आज दिल्ली के कोने कोने से चालक भाई निकल करके आ रहे हैं, आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं तहे दिल से समस्त चालक भाइयों का धन्यवाद करता हूँ और उन सभी जो 70 साल से यूनियन चला रहे थे उन सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ, चालक इकट्ठे हो रहे हैं, साथ भी देते हैं लेकिन साथ देने वाला सही होना चाहिए। आपके साथ कौन कौन जुड़ सकता है आपकी यूनियन के अंदर? हमारे साथ दिल्ली के जो भी कमर्शियल लोग चालक हैं, उसके बाद भी जो प्राइवेट चालक गाड़ियां चला रहे हैं लोगों की कोठियों में, अगर वो साथी भी आना चाहते हैं तो हम उनका भी वेलकम करेंगे, क्योंकि वहां भी बहुत समस्याएं हैं जो हमें मैसेज मिला हुआ है। फिर वो क्यों? लेकिन जब तक वो लोग साथ नहीं आएंगे तब तक हम उस मुद्दे पे कुछ बोल नहीं सकते। जब वो लोग साथ आएंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे, फिर हम उसके समाधान के लिए आगे विचार करेंगे। तो अभी हम कुछ चालक से बात करते हैं कि सच में सर ये बताइए कि इस यूनियन से आप कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को 2 साल के करीब हो गए हैं जुड़े हुए। क्या हेल्प मिली आपको इनसे? इनसे इतनी हेल्प मिली है कि बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम हो रहा है, जो भी किराया भाड़ा बढ़ना है, एक यूनियन जो भी काम कर रही है बहुत अच्छे काम कर रही है। जब से मैं जुड़ा हूँ इनसे बहुत फायदे मिल रहे हैं और मुझे भड़काने वाले बहुत मिल रहे हैं। कल ही हमारे स्टैंड पे बाबूजी गए थे, शायद समझ भी गए होंगे। मैंने सुना कि दिल्ली का तो 36 यूनियन है जी, आज तक किसी ने इतना काम नहीं किया जी। जो भी हमारी यूनियन काम कर रही है जी, जो पैसा बच रहा है हमारे जेब में बच रहा है, वहाँ जाते थे दलाल खड़े होते थे इतना पैसे दो इतना पैसे दो, हम आज तक किसी को कोई पैसे दे रहे। जो भी हमारी यूनियन काम कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। जय हिंद जय भारत। कुछ आप कहना चाहते हैं इस पर? मैं कहना चाहता हूँ यूनियन में आज मैं लगभग 1 साल जुड़ा हूँ और यूनियन में सदस्य शुल्क 100 रुपये रखा गया है, जो वो पैसा हमारा किसी ड्राइवर साथी का एक्सीडेंट हो जाता है उसका सहयोग के लिए दिया जाता है और कहीं कोई दुर्घटना हो जाता है सहायता दिया जाता है। इसलिए हमको यूनियन जो बहुत अच्छा काम में आ रहा है, हमें अगर 100 रुपये सहायता सदस्य शुल्क दिया जाता है वो हमारे ड्राइवरों के हित के लिए रखा गया जो किसी जरूरत पड़े पर काम। हाँ, ये यूनियन जो है 6 साल से बनी है, 6 साल में हमारी यूनियन ने ड्राइवरों के इतने काम किए हैं। जैसे 2020 में किराया बढ़वाया रनिंग बेटिंग के साथ में, रेवला खानपुर में जो है हम लोग ट्राई देने जाते थे उसको ख़त्म करवाया, फिटनेस फीस माफ़ हो गई, पेनल्टी माफ़ हो गई, सिम डिम्स माफ़ हो गई। हमारी यूनियन ने ऑटो वालों के बहुत सारे काम कराए हैं और इस यूनियन में निःशुल्क काम होता है। और जो है हम लोग रेवला खानपुर जाते थे सुबह 4 बजे ही उठ के जाना पड़ता था, लेकिन जो है अब हमें वहाँ ट्राई देने नहीं जानी पड़ती है। और सिम डिम्स के 7,000 करोड़ रुपए बचे हैं हम लोगों के, वो सब ड्राइवरों के जेब में है। इस यूनियन के माध्यम से हुआ है सब कुछ? हाँ, ये सारा इस यूनियन के माध्यम से ही हुआ। जी जी जी। चलो जयंत जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। सर आप बताइए क्या ये सच में हो रहा है सारा कुछ ये आपके यूनियन के माध्यम से? एकदम इनफैक्ट वास्तव में ही हो रहा है, क्योंकि ये यूनियन जो है हमारे थ्रू ड्राइवर के थ्रू ही बनी हुई है, इसका कोई ऑफिस भी नहीं है। अगर मैं तो यही चीज़ कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनियन से जुड़े और अपना काम मुफ्त करवाए, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। आपसे जुड़ने के लिए क्या मुझे वो चार्ज करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है और ना ही पहले था। तो आप ड्राइवर को, ड्राइवर की पहचान क्या होती है, जिससे कि जो यूनियन आपसे जुड़ता है उसको क्या देते हैं आप? अगर हमसे आप कोई भी अगर
यूनियन से जुड़ता है तो हम इसका ये आई कार्ड बना के देते हैं। ऐसा ये आप आई कार्ड उनको देते हैं? हाँ। इस आई कार्ड के फायदे क्या सर? इस आई कार्ड के ये फायदे है, अगर कोई ट्रैफिक वाला, ये जिसका आई कार्ड है वो कहाँ पर है? ये चंद्र प्रकाश ये चले गए हैं। ठीक है, हाँ चले गए हैं, इनको नेक्स्ट टाइम मीटिंग में बुलाया। मतलब जो भी हमारी काम कर रही है सबसे अच्छे कर रही है, और ये सबसे अच्छा काम है जो भी हमारी यूनियन करेगी, अच्छा करेगी और बढ़िया काम कर रही है, आगे करके आगे चल के भी अच्छा काम करेंगे। मुझे बताइए, क्या इस यूनियन से जुड़ने के लिए क्या आपसे कोई पैसा दिया जाता है? आज तक कोई पैसा हमने ना दिया है ना हम देंगे। जो हमारे काम होंगे हमारी खुशी है, हम देंगे, नहीं खुशी हम नहीं भी देंगे। क्या यूनियन आपसे पैसा मांगती है जुड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या क्या सहायता प्रदान करती है यूनियन आपको? जो सहायता होती है वही मिलती है, जो किराए बढ़े हैं, ट्राई खत्म हुई है, जो भी काम हुए हैं सारे हमारे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम हो रहे हैं। सर कुछ आप बताएंगे? थैंक यू सर। हाँ, इस यूनियन जुड़ने के क्या क्या आपको फायदे मिले? यूनियन से जुड़ने के लिए हमें फायदे, ऑटो का जो भी रोड पे चलने वाला जो हिसाब है, जैसे कि अभी ऑटो का जो मीटर है, मीटर का रिन्यूअल करवाने के लिए, मीटर को ट्राई रोड ट्राई देने के लिए हम नजफगढ़ जाते थे, वो ट्राई इस यूनियन ने हमारी ने ख़त्म करा दी जी। उसके बाद में जो परमिट के लिए वो करते थे वहाँ पर, जो धांधली वगैरह चलती थी वो सब ख़त्म हो गया वहाँ पर, और जो भी गाड़ी की फिटनेस वगैरह होती थी वो भी वहाँ पर यूनियन के माध्यम से जाएंगे। अगर हमारा स्टिकर लगा हुआ यूनियन का, तो आप कोई भी आदमी वहाँ पर आपको ये नहीं कहेगा कि ये गाड़ी में कमी है, छोटी मोटी अगर कोई बात होती है तो उसको बताएगा कि ये ओके करा के लाओ, गाड़ी आपके पास है। तो यूनियन से जुड़ने के तो बहुत फायदे हैं, अगर रास्ते में हम कहीं जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस है वो अपना स्टिकर देखता, आगे ट्रैफिक पुलिस वाला वो देखता भाई यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो इनको मतलब नहीं रोक सकते आप, और कोई गलत काम कर रहा है तो उसका तो पूरा हक बनता है कि पुलिस रोक के मतलब उसको करे। हमें यूनियन से जुड़ने के तो बहुत फायदे हैं, क्यों नहीं है कुछ भी। मुझे लगभग एक साल हो गया जुड़े हुए जी। मुझे एक संगठन से जुड़वाया, जब से मैं संगठन से जुड़ा हूँ मैं, तब से मुझे हर एक तरीके से सहयोग करते हैं जी। जैसे कभी मेरा कोई चालान कटता है तो अगर मैं बोलूँगा सर मेरा मिसयूज़ हुआ है, चालान कटा गलत कटा, तो मैं इनको फ़ोन करता हूँ, तो ये अपने आप ऑटो चालक भाई सब आ जाते हैं मेरे पर मदद करने के लिए। ये देखिए आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन का ऊपर बोर्ड लग गया है गाड़ी पर, और नीचे ये आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन का स्टिकर लगा हुआ।